हाँ विपिन, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तीसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पार्टिकल फिजिक्स की थोड़ी सी बात करेंगे। फर्मियोंस और बोजॉन्स पे ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, उसके अलावा ज़्यादा पार्टिकल फिजिक्स के अंदर नहीं जाएंगे। और थोड़ी सी बातें हम पार्टिकल फिजिक्स पे भी अच्छे थोड़े से प्रॉब्लम करके देखेंगे, डिजेनरेसी वगैरह की बातें करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग दो पार्टिकल्स पे बेसिकली फोकस, दो टाइप के पार्टिकल्स पे फोकस करेंगे, जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं हमारे, फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स। ठीक, देखो बहुत ज्यादा डीप में इलेक्ट्रॉन्स, हैड्रॉन्स, बैरियॉन्स इन पे हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स की चर्चा कर रहे हैं। देखो होता क्या है, फर्मियॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली फर्मियॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जिनकी जो स्पिन होती है, जिनकी स्पिन होती है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। ठीक, और बोसॉन्स क्या होते हैं, जिनकी स्पिन इंटीग्रल स्पिन होती है। ठीक, अगली चीज, जब हम फर्मियॉन्स को एनर्जी लेवल्स में फिल करते हैं तो होता क्या है कि एक एनर्जी लेवल में केवल एक फर्मियॉन ही आता है। सोच मैं बोलूं कि तीन एनर्जी लेवल हैं और तीन हमारे पास फर्मियॉन है, तो याद करो कल क्वेश्चन किया था कि एक बार एक तरीके से केवल उनको भर सकते हैं क्योंकि सबकी शक्ल सेम होती थी, याद है ना। तो बट बोसॉन्स में क्या होता है, बोसॉन्स शक्ल तो सेम होती, बट वो एक लेवल में केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, सॉरी एक बोसॉन नहीं आता है, वो एक से ज्यादा बोसॉन्स आ सकते हैं। इस बात पर लिख लो, फर्मियॉन्स जो होते हैं वो एक एनर्जी लेवल में केवल एक ही आ सकता है। ठीक, इसमें क्या है, एक एनर्जी लेवल में एक से ज्यादा या सभी आ सकते हैं, कोई दिक्कत। चले, फर्मियॉन्स का होता है हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, सॉरी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, और ये क्या होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है, यानी ये 1/2, 3/2 इस तरह से होते हैं, ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो कि हमारा जिसकी स्पिन की थी हाफ। ठीक, इसका एक एग्जांपल होता है हमारा पाइलीजॉन, पाइलीजॉन, ठीक है ना, इसकी भी स्पिन शायद 1 होती है। ठीक, इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन, इलेक्ट्रॉन, पाइलीजॉन, याद नहीं रखना, वो सिर्फ इस तरह से बता दिया कि हमको देख, हमको ज्यादा आता है। ठीक, पाइलीजॉन, अब हमें याद इलेक्ट्रॉन लिखन रखना है कि हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। ठीक, अब एक आध एग्जांपल्स थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको एक बार लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है ना, एक बार उतार लो। ठीक, देखो आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। अगर बात करें, मान लो मैंने तरह से बोला कि तीन स्टेट्स थी, ठीक, और उसमें चार बोसॉन्स थे। तो बोसॉन्स को अपन किस तरह से बढ़ सकते हैं, ध्यान समझ, एक में सारे आ सकते हैं। ठीक, एक में ही सारे आ सकते हैं। दूसरी चीज सोचो कि एक दो तीन, हम मान लो इसमें दो भर दें, इसमें दो भर दें, ये भी तरीका पॉसिबल है। सोचो इसमें एक दो तीन चार, इस तरह से भर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो नंबर ऑफ वेज कई हो सकते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका क्या था, या तो ओमेगा इज इक्वल टू अन फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस जे माइनस वन। ठीक, एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स चार है,
यानी फैक्टोरियल 4 प्लस जी आई कितनी है 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 दिन 7 से गेट फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 सॉरी फैक्टोरियल कितना था ऊपर चल 6 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट 2 3 जा 6 5 3 जा 15 नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने तीन ये देखे थे इस तरह से 15 नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इनको बढ़ने के कोई दिक्कत ठीक ये बात अपने को समझ आती है। दूसरी चीज इस पे फर्दर आगे से चलते हैं जिसमें हम देखेंगे डीजेनरेसी। ठीक डीजेनरेसी क्या होती है डीजेनरेसी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि सेम एनर्जी लेवल के सॉरी हाँ सेम एनर्जी के एक से ज्यादा एनर्जी लेवल। देखो फॉर एग्जांपल अगर अपन डीजेनरेसी की बात करें तो डीजेनरेसी अपने को क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिख सकता है कि वो एनर्जी स्टेट्स की डीजेनरेसी बोल सकता है और पार्टिकल के लिए भी डीजेनरेसी बोल सकता है पार्टिकल के थ्रू भी आपको गिवन हो सकती है और एनर्जी लेवल के थ्रू भी हो सकती है। जैसे मान लो इस तरह से बोला कि हमारे पास तीन एनर्जी लेवल थे एक की एनर्जी थी माइनस ई नॉट दूसरे की थी जीरो तीसरे की थी ई नॉट और बोल दिया कि जो जीरो एनर्जी लेवल की एनर्जी थी सॉरी हाँ जीरो लेवल की जो एनर्जी लेवल थे वो डबली डीजेनरेट का मतलब उस तरह के दो लेवल पॉसिबल है मतलब अगर हम इस तरह से मान लो डबली डीजेनरेट ना होता तो हम इस तरह से बनाते माइनस ई नॉट जीरो ई नॉट ठीक बट अब ये डबली डीजेनरेट हो गया मतलब ये एक नहीं है ये डबल है आया इसका मतलब क्या है अब सोचो इसे हम बोल दिया जाए कि तीन एनर्जी लेवल थे जीरो था डबली डीजेनरेट फोर बोसॉन्स थे अब भर के बताओ फोर बोसॉन्स थे अब भरो अब क्या हो जाएगा नंबर अब ध्यान देखो एन आई तो अब भी चार है लेकिन जी आई क्या अब तीन रहा जी आई अब तीन नहीं रहा ये डब्ल्यू डिजेनरेट हो गया नहीं चार होगा टोटल इसमें भी भर ये अलग हो गया ये वाला अलग हो गया तो जी आई भी कितना हो गया फोर। अब इसमें फॉर्मूला जब लगाएंगे फैक्टोरियल फोर प्लस फोर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर अपॉन टू फैक्टोरियल फोर माइनस वन सॉल्व करते हैं अपना कोई दिक्कत फटाक से देखो आगे चलो ये तो हो गया डीजेनरेसी किसके थ्रू दे सकते हैं एनर्जी लेवल के थ्रू दूसरा पार्टिकल के थ्रू दे सकता है पार्टिकल के थ्रू किस तरह से देगा उसको देखो हो सकता है आपसे बोल दे पार्टिकल के थ्रू इस तरह से बोले कि पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन दिया गया सोच इलेक्ट्रॉन दिया गया इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन वाला पार्टिकल होता है ठीक है ना उसकी स्पिन कितनी होती है 1/2 1/2 स्पिन होती है अगर स्पिन दी हुई है अगर स्पिन दी हुई है तो हम डीजेनरेसी किस तरह से निकालते हैं डीजेनरेसी इज इक्वल टू 2 into spin plus 1 इसका मतलब क्या है स्पिन की वैल्यू रखो इसके लिए कितनी हो जाएगी फॉर इलेक्ट्रॉन तो डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी 2 into half plus 1 डीजेनरेसी कितनी आ गई 2 यानी अगर जितनी भी हमारे पास एनर्जी लेवल है मान लो एक एनर्जी लेवल है तो हम 2 कर देंगे मान लो हमने तुमसे बोला होता कि ये तीन एनर्जी लेवल थे ठीक और हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे इनको फिल करना था तो जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन्स बोला हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए इलेक्ट्रॉन मतलब स्पिन हाफ मतलब डीजेनरेसी दो डीजेनरेसी दो तीन की जगह तुरंत मारो छह समझ आया तीन की जगह तुरंत मारोगे छह यानी अब जीआई की वैल्यू 3 नहीं रहेगी जीआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और एनआई की वैल्यू 5 एनआई की वैल्यू 5 आंसर क्या आता था इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए याद करो फर्मी डिराक में क्या था नंबर ऑफ फेज इक्वल टू एनआई सॉरी जी आई सी एन आई याद है फॉर्मूला कल लिखा था ठीक कोई दिक्कत अब जी आई के मतलब यानी जी आई कितना 6 सी 5 अब सॉल्व तो कर सकते हो ना कोई दिक्कत चलो उतारो फैक्ट से ये चीज ये जरूर याद रखना मान लो वो हम इसने इस तरह से बोला इलेक्ट्रॉन नहीं दे कि हो सकता है कोई दूसरा स्पिन पार्टिकल दे दे मान लो कोई दूसरा पार्टिकल दे जिसकी वैल्यू स्पिन 3/2 है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2 into 3 by 2 plus 1 ठीक है ना तो टोटल कितने 1 2 3 4 4 थे 12 12 हो जाएंगे 3 की जगह 12 समझ आया कोई दिक्कत ठीक
आज का लास्ट टॉपिक जो हम अभी इस पे हम काफी ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं अभी, एक जल्दी से एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिसको बोलते हैं स्टिर्लिंग फॉर्मूला। स्टिर्लिंग फॉर्मूला क्या होता है? स्टिंग फॉर्मूला बेसिकली होता है एल एन फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन एल एन एन माइनस एन। याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब देखो प्रूफ फटाक से कर लेते हैं। एल एन फैक्टोरियल एन का मतलब 1 2 3 कहां तक? एन तक। तो वन एम डॉट एन से करेंगे का सॉल्व उसको, तो एल एन 1 + LN 2 + कहां तक? एल एन एन तक। यहां से देखो तो लिखा हुआ एल एन एक्स, जहां एक्स कहां से कहां तक है? समेशन ऑफ एल एन एक्स कहां से कहां तक? एक्स की वैल्यू हमारी 1 से लेके एन तक है, ठीक। अगर एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी है, एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, समेशन चेंज इन टू इंटीग्रेशन, समेशन चेंज इन टू इंटीग्रेशन इधर कर देते हैं, यानी क्या आ जाएगा हमारा 1 to n इंटीग्रेशन एल एन एक्स इंटू डी एक्स। इसको अगर अपन सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम यही आ जाएगा, एन एल एन एक्स सॉरी एन एल एन एन माइनस एन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? फटाक से याद रखने वाला फॉर्मूला, ठीक। प्रूफ ये कोई खास प्रूफ नहीं है, फटाक से खुद एक लाइन में कर सकते हो प्रूफ, ठीक। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम लोग फर्दर इसके आगे कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे अगले क्लासेस में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, लाइक कर देना वीडियो, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करते रहना, कमेंट करके बताओ किस तरह की इसमें ज़्यादा अच्छी हम चीज़ें बता सकते हैं, क्या इसमें चीज़ें ऐड कर दी जाए वीडियो में, या आपके अलग थॉट्स, क्या सोचते हो वीडियो के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देना, कोई फालतू के ओपिनियन मत देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।